रफी साहब के इस रोमांटिक गाने का तोड़ आज तक नहीं मिल पाया है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हूं या कोई प्यार। किशोर कुमार जानते थे कि रफी साहब की आवाज का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इस कव्वाली को तो सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है, तुम्हारी आंख है। ये सही है कि किशोर कुमार राजेश खन्ना के लिए एक के बाद एक हिट गाने दिए जा रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि ठीक उसी समय राजेश खन्ना के लिए गाए गए रफी साहब के गाने भी सुपर हिट साबित हो रहे थे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। इस फिल्म में रफी साहब का एक और हिट गाना है जो तब भी हिट था और आज भी हिट है। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। जिसका डर था मैं डर भी वही बात हो गई। मोहम्मद रफी और राजेश खन्ना पहली बार साथ आए थे साल 1966 में, फिल्म थी आखिरी खत। और कुछ दे नजर, और कुछ दे थे। फिल्म राज में यंग हैंडसम राजेश खन्ना के लिए रफी साहब के इस गाने ने जैसे जादू का सा काम किया है। अकेले हैं चले आओ जहां हो। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के महान गायक मोहम्मद रफी की, सुपरस्टार राजेश खन्ना की और हिंदुस्तान के एक और लोकप्रिय गायक किशोर कुमार की। जिंदगी को बहुत प्यार। मोहम्मद रफी और राजेश खन्ना का साथ बहुत पुराना था। ये शुरू हुआ था राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत से। और कुछ दे दजा, और कुछ दे ठहर। बाद में राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार गाना गाने लगे और किशोर कुमार राजेश खन्ना की पहचान बन गए। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत। मोहम्मद रफी ने 40 के दशक में गाना शुरू किया था और 50 और 60 के दशक में वो सफलता के शीर्ष पर रहे, लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है, हर चीज हमेशा एक सी नहीं रहती, थोड़ा बहुत परिवर्तन हर चीज में होता है, लिहाजा फिल्मी दुनिया में भी दृश्य बदला। और ये दृश्य बदला 1969 में आई राजेश खन्ना की फिल्म आराधना से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक। इस फिल्म के गाने सुपर हिट हुए और राजेश खन्ना और किशोर कुमार का सितारा देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। प्यार की गलियां, बागों की गलियां। आराधना के बाद किशोर कुमार तेजी से आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक के बाद एक कई सुपर हिट गाने दिए। अरे महबूब का जो बस लेते। किशोर कुमार और राजेश खन्ना के सुपरहिट गानों का सिलसिला 1969 से लेकर 1971 तक जारी रहा। 1969 के बाद एक तरफ किशोर कुमार जहां तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ रफी साहब अपने हिसाब से लगातार एक के बाद एक खूबसूरत और बेहतरीन गाना दिए जा रहे थे। आराधना के बाद फिल्मी दुनिया में गायकी में नंबर वन की पोजीशन की चर्चा होती है और कहा जाता है कि रफी साहब ने आराधना के बाद नंबर वन की पोजीशन खो दी थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि रफी साहब ने शुरू से लेकर आखिर तक अपना नंबर वन का खिताब कभी नहीं खोया था। हाँ, ये जरूर हुआ कि थोड़े समय के लिए उनके पास गाने के ऑफर आने थोड़े कम हो गए, लेकिन जानकारों के अनुसार ये उनका पासिंग फेज था। कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे। 70 के दशक में रफी साहब और किशोर कुमार दोनों अपने अपने काम में लगे रहे और एक के बाद एक हिट गाना देते गए।
जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद जवानी ओ दीवानी। राजेश खन्ना की सफलता को किशोर कुमार से जोड़ा जाता है, लेकिन ये भी सच है कि राजेश खन्ना की 1966 में आई पहली फिल्म आखिरी खत में राजेश खन्ना के लिए पहला गाना मोहम्मद रफी ने ही गाया था। और कुछ दे ना जा और कुछ दे ठहर। यूं तो आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी, लेकिन राजेश खन्ना को सही मायने में ब्रेक मिली थी उनकी दूसरी फिल्म राज में। इस फिल्म में भी राजेश खन्ना के लिए गाया था मोहम्मद रफी ने। कहां आवाज दे तुमको कहां। किशोर कुमार राजेश खन्ना की भले ही पहली पसंद थे, लेकिन एक सच ये भी है कि राजेश खन्ना को एक नायक से स्टार और एक स्टार से सुपरस्टार बनाने में रफी साहब का योगदान भी कम नहीं रहा है। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। आराधना रिलीज हुई थी सितंबर 1969 में और इसके ठीक दो महीने बाद दिसंबर में राजेश खन्ना की एक और हिट फिल्म रिलीज हुई दो रास्ते। इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने राजेश खन्ना के लिए ये सुपर हिट गाना गाया। सारी बातें यही बस रुक। रफी साहब के इस गाने का असर आज भी कम नहीं हुआ है। देख कर जी रहे सभी। इसी फिल्म में मोहम्मद रफी का एक और सुपरहिट गाना है। तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। रिम झिम छाए बताई ओए क्या बात हो गई। जानकारों का कहना है कि जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना से कहा था कि फिल्म दो रास्ते में रेशमी जुल्फे और छुप गए सारे नजारे रफी साहब ही गाएंगे और कोई नहीं, तो राजेश खन्ना ने ना तो इसका विरोध किया और ना ही इन गानों को किसी दूसरे गायक से गवाने का इसरार किया। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना की सुपर हिट फिल्म थी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की। इस फिल्म के गानों को भी किशोर कुमार ने गाया है, लेकिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जब लगा कि इस फिल्म का एक और भाव भरा गाना नफरत की दुनिया छोड़ के रफी साहब को सूट करता है, तो ये बात उन्होंने राजेश खन्ना को बताई। इसके बाद राजेश खन्ना इस गाने को रफी साहब से गवाने पर राजी हो गए। जब जानवर कोई इंसान। जानने वाले बताते हैं कि रफी साहब के इस इमोशनल गाने ने फिल्म हाथी मेरे साथी को सुपर हिट बनाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। एक जानवर की जान आज इंसान। संगीतकार प्यारेलाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना उस समय एक सुपरस्टार बन चुके थे, वो चाहते तो उनकी बात टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस आखरी सुन ले ये मेल है। ये सही है कि किशोर कुमार राजेश खन्ना की पहली पसंद थे, लेकिन राजेश खन्ना जानते थे कि रफी साहब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। खुश रहना मेरे यार। किशोर कुमार खुद हिंदी फिल्मों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी का बड़ा सम्मान करते थे। वो रफी साहब की गायकी की खूबियों को जानते थे, वो ये भी जानते थे कि उनकी आवाज का कोई सानी नहीं। यही कारण है कि जब फिल्म दुश्मन की एक कव्वाली वादा तेरा वादा के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किशोर कुमार के पास गए, तो किशोर कुमार ने साफ साफ कह दिया कि इस कव्वाली को रफी साहब से ही गवाना अच्छा रहेगा। दामन में तेरे फूल है कम और काटे हैं ज्यादा। जानकारों के अनुसार किशोर कुमार संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को काफी देर तक ये समझाते रहे कि ये एक कव्वाली है और इसे रफी साहब ही गा सकते हैं। रजिया हो या राधा वादा तेरा वादा। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच 17 हिट और सुपर हिट फिल्में दी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुतम। 1969 में आराधना आई थी और 1969 में ही एक फिल्म आई डोली। किसने साथ
साथ निभाया किसने। इस फिल्म में रफी साहब का साथ दिया था आशा भोसले ने। उन्नीस सौ उनहत्तर के बाद आया साल 1970 और इसी साल राजेश खन्ना की एक सुपरहिट फिल्म आई आन मिलो सजना। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना। सुपरहिट फिल्म आन मिलो सजना का टाइटल सॉन्ग भी मोहम्मद रफी ने ही गाया है। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। 1970 में एक फिल्म आई थी सच्चा झूठा। वही तुम मुझसे बात करती या कोई। क्या कोई कह सकता है कि रोमांस का ये अंदाज रफी साहब के अलावा कहीं और मिल सकता है। मुझसे ये मेल तेरा ना हो एक खेल तेरा। मोहम्मद रफी के ऐसे रोमांटिक गानों ने राजेश खन्ना की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। यूं ही तुम मुझसे बात करती या कोई। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अगले एपिसोड में एक नए विषय को लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन्हें देख कर जी रहे।